17 जून से शनि की चाल होगी वक्री। वक्री शनि का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव? वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को न्याय और कर्म का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और 17 जून 2023 को अपनी ही राशि कुंभ में बकरी हो जाएंगे। इसके बाद 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। शनि 17 जून को कुंभ राशि में रात 10:48 पर बकरी चाल चलने वाले हैं। साथ ही शनि इस वक्री स्थिति से केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण भी करने जा रहे हैं। शनिदेव के बकरी होने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव एकादश भाव में वक्री होंगे। इस भाव में वक्री होना इस राशि के जातकों को अच्छा मुनाफा देने का काम करेगा। शनिदेव की कृपा से इस समय व्यापार में मुनाफे की स्थिति रहेगी। वहीं मित्रों से सहयोग के योग दिखाई दे रहे हैं। शोध कार्य में लगे हुए जातक इस समय अच्छा परिणाम देखने में समर्थ होंगे। बैंकिंग और मशीन के कार्य से जुड़े जातकों को कुछ नया करने को मिल सकता है। इस समय आपके सीनियर आपके ऊपर कृपा बनाकर रखने वाले हैं। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि जो भी काम अटके हुए हैं वो 17 जून से 4 नवंबर के बीच पूरे करने का प्रयास करें। अगली है वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव में वक्री होंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपको कार्यस्थल पर बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको कार्यों में थोड़ा विलंब दिखाई देगा। अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। सरकारी कामों से जुड़े जातक धन की कमी से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का निवेश सोच समझ कर करें। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि नवम भाव में वक्री होने वाले हैं। शनि के प्रभाव से अब आपके कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। इस समय आपको अपने माता पिता के साथ कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। शनि के वक्री होने से आपको यात्रा में व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय लाभ के मामले में थोड़ी कमी आ सकती है। जो जातक खुद व्यापार कर रहे हैं उन जातकों को अपने मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में वक्री होंगे। शनिदेव के इस भाव में वक्री होने से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी निवेश को सोच समझ कर ही करें। इस समय आपको धन की कमी महसूस होगी। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपको परास्त करने के लिए नए तरीके खोजने वाले हैं। इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अपने प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव को आने से रोकना होगा। ईमानदारी से अपना काम करने में ही भलाई है। सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव सप्तम भाव में वक्री होंगे। इस भाव में शनिदेव के वक्री होने से आपको अपनी पत्नी की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। वहीं वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आने की आशंका दिखाई दे रही है। किसी प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो थोड़ी देर से मिलेगा। इस समय आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दें। मानसिक तनाव होने की आशंका है, इसलिए अपने काम के बीच में योग को शामिल करें। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में वक्री होंगे। इस भाव से शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में शनि के वक्री होने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। इस समय विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपका दाखिला विदेश के किसी अच्छे संस्थान में हो सकता है। इस समय आपके ऊपर कोई कर्जा था तो वो भी आप पूर्ण रूप से उतार देंगे। तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक होते हैं और वो आपके पंचम भाव में वक्री होंगे। इस समय आपके प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। प्रेमी से अनमन की नौबत आ सकती है। छात्र वर्ग को कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा खर्च करें क्योंकि धन के नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय वाहन चलाते हुए आपको सावधानी बरतनी होगी। गुप्त विद्या में रुचि बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव अब चौथे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने से आपको थोड़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर तनाव होगा। इस समय अपने कार्यस्थल पर पूरी मेहनत के साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना होगा। आपको अपने व्यापार में इस समय अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस समय आप किसी से कर्जा ना लें। अगर मकान का काम अटका हुआ है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। धनुराशि। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में वक्री होंगे। इस भाव से जातक के साहस और भाइयों का विचार होता है। इस भाव में वक्री शनि आपको यात्राओं में लाभ देने का काम कर रहे हैं। इस समय आपको अपने भाइयों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय धर्म दर्शन और ज्योतिष से जुड़े लोगों को अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। शनि की नवम भाव पर दृष्टि किसी धार्मिक यात्रा पर आपको ले जा सकती है। इस समय अपने गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। मकर राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे भाव में वक्री होंगे। इस भाव से वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव में वक्री शनि होने से परिवार में कलह हो सकती है।
इस समय अगर आप झूठ बोलते हैं तो बड़ी समस्या में आ सकते हैं। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी को पैसे उधार देने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर दें। इस समय शनिदेव के बकरी होने से आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। इस राशि के जातकों पर शनि के बकरी होने का विशेष प्रभाव होगा, क्योंकि शनि आपकी राशि से बकरी हो रहे हैं। इस समय आपको कार्य संपादन के लिए काफी विरोध देखने को मिल सकता है। कार्यों में विलंब होने से आपका मन खिन्न रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय अपने किसी भी मित्र पर कोई भरोसा न करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही कोई कार्य शुरू करें। इस समय साझेदार के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए क्रोध पर काबू रखें। मीन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि द्वादश भाव में वक्री होंगे। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन काम के लिहाज से की गई यात्राएं सफल होगी। शनि के इस वक्री काम में आपको अपनी सेहत का विशेष तौर से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय किसी कर्ज के चक्कर में ना फंसे। किसी को ना उधार देना है और ना ही उधार लेना है। यह था 12 राशियों पर शनि की वक्री चाल का प्रभाव। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।